जीबी रोड की सीढ़ियों पे अगर आप अपने कदम रख रहे हैं तो एक बार अपनी हवस को एक तरफ रख के थोड़ा सचेत हो जाएं, क्योंकि सावधानी हटी तो समझिए दुर्घटना घटी। जी हाँ, दिल्ली के इन कोठों की तरफ अगर आप आकर्षित और उत्तेजित हो रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ हुस्न के बाजार में आपके महीने भर की मेहनत की कमाई चंद पलों में आपसे जुदा हो सकती है। यहाँ आपको लुटेरिन हसीनाएं पल भर में लूट के कंगाल कर सकती हैं और आप अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते। और यही वजह है कि दिल्ली के इस जीबी रोड पे 80% कोठों पे ये गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। ग्राहक को सबसे पहले देख के ये भांपा जाता है कि वो दिल्ली का स्थानीय ना हो या फिर थोड़ा नरम स्वभाव का हो, फिर उसे कम पैसे में वैश्याएं इशारा करके अपने पास बुलाती हैं। महज 100 से 200 रुपए में ही सौदा तय कर लिया जाता है। ग्राहक को ऊपर कोठे पे ले जाया जाता है और फिर उसको वहां पे मौजूद वैश्याएं घेर लेती हैं और उसको धमकाने लगती हैं। अगर ग्राहक विरोध करता है तो उसकी पिटाई करने में भी वैश्याएं गुरेज नहीं करती हैं। फिर यहीं से शुरू होता है लूट का ये सिलसिला। ग्राहक के ना तो अरमान बसते हैं और ना जेब में पैसे, फिर उस ग्राहक के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बसता। मजबूरी का आलम यह होता है कि वो लोक लाज से पुलिस के पास तो क्या, अपने सगे संबंधियों तक वो इस घटना के बारे में बताने से हिचकता है। हाँ जी भैया, क्या हुआ आपके साथ? अभी आप ऊपर से आ रहे हो जीबी रोड पे, आप यहाँ पे मौजूद हो, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, ऊपर से आ रहे गए थे वहाँ पे और तनख्वाह मिली सारी छीन ली और चक्कू लगा के भगा दिया। और परिवार हमारा गांव में रहता है और एक दो सात चार सात महीने में जाना पड़ता है, मन करा आ गए और पैसे छीन लिए सारे। तो अब पैसे छीन लिए, वहाँ पे मारपीट भी हुई आपके साथ? हाँ, मारपीट करने जा रहे थे जी, मारपीट भी की आपके साथ जी, और पैसे भी सारे छीन लिए। हाँ जी भैया, आप साथ में थे इनके, तो क्या हुआ था आपके साथ भी छीना झपटी और लूटपाट की है? जी सर, मैं तो उनके साथ में घूमने के लिए आया था जी, इसलिए मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सर मेरे साथ में गया अपने जी, जब मैं के साथ में ऊपर गया जी तो उन्होंने मैं बिठाया जी और पूछा कि सर क्या लोगे आप? तो सर मुझे कुछ पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास क्या क्या सामान तो नहीं है, कोई कोई अवैध सामान तो नहीं है, जी नहीं है, क्या क्या आपके पास है? तो उन्होंने उनको दिखाया तो सर ये मेरा मोबाइल है पास, पर्स है मेरा एक। तो क्या मोबाइल भी छीना आपका? सर मोबाइल वो छीन लेते मगर फिर हमने उनसे बोला सर प्लीज़ हमारा मोबाइल मत छीन। कितने पैसे छीन लिए आप लोगों से? सर मेरे पास 1500 रुपये थे। हाँ, और आपके साथी के पास? उनके पास 2500 रुपये थे। तो दोनों छीन लिए और आपको भगा दिया वहाँ से, और कुछ आपको करने भी नहीं दिया? कुछ करने भी नहीं दिया जी। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी ग्राहक को इन कोठों की सही जानकारी हो या कोई विशेष जान पहचान हो तो उसके साथ ऐसी घटनाएँ होने की संभावनाएँ ना के बराबर होती हैं। बहरहाल अब दिल्ली के जीबी रोड पे चंद कोठे ही ऐसे बचे हुए हैं जहां लूटपाट नहीं होती, वरना यहां सस्ते के चक्कर में रोज सैकड़ों लोग लूट लिए जाते हैं। दिल्ली के जीबी रोड के इस कोठों के झरोकों से झांकती हुई और रोड पे चल रहे राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई ये वैश्याएं दरअसल अपने लिए ग्राहक नहीं बल्कि शिकार की तलाश करती हैं। जिस राहगीर ने थोड़ी भी दिलचस्पी दिखाई मानो वो हलाल हो गया। राहगीर इन सीढ़ियों पर चढ़ के उस खूबसूरत चेहरे को ढूंढता है, लेकिन उसका सामना किसी और से ही होता है जो कि उसको लूटता भी है और पीटता भी है। ये सिलसिला न जाने कब से चला रहा है। ऐसा नहीं है कि हम वैश्याओं के खिलाफ हैं, लेकिन इस लूटपाट को हमारी कलम भी इजाज़त नहीं देती। इसलिए आप जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन अपनी समझ और जिम्मेदारी से जाएं। संभव हो तो 3-4 दोस्तों को साथ रख लें और ज़्यादा पैसे और कीमती सामान साथ में ना ले जाएं। हो सके तो अपना कीमती सामान नीचे अपने दोस्त को रखने के लिए दे दें।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप किसी दलाल से ना तो कोई परामर्श करें और ना ही उनकी मदद लें। अगर आप किसी दलाल के साथ कोठे पर जाएंगे तो आपके लूटने की संभावनाएं 75% बढ़ जाती है। बहरहाल सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप कोठे पर मौजूद हैं तो अपने कीमती सामान की जिम्मेदारी खुद रखें और किसी दूसरे ग्राहक से बहस ना करें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी जगह पर आपको बदमाश प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा मिलते हैं। और सबसे अहम बात, अगर आपको इस कोठे पे 18 वर्ष से कम आयु की अगर कोई भी लड़की दिखाई दे तो आप सतर्क हो जाएं। हो सकता है कि उस लड़की को ज़बरदस्ती उस जगह पे रखा हुआ हो। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए आपको अपने लोक लाज को परे रखते हुए आपको तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाके उसकी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। ऐसा करके आप मानव तस्करी जैसे पाप पे अंकुश लगा सकते हैं और एक बेटी को उसके परिवार से भी मिलवा सकते हैं। बहरहाल आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कृपया करके आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें और ये महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इसलिए जितना हो सके इसको शेयर भी करें ताकि हम आपके साथ मिलकर इस लूटपाट के गोरख धंधे पे अंकुश लगा सकें। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।